भ्रष्टाचार ऐसा कि देखकर दंग रह जाएंगे आप। ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर लगाया आरोप, अधूरे कामों का ले लिया पूरा पेमेंट। राजपुर उप तहसील के अंतर्गत आने वाले लालपुर कुंडई ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। एक साल पहले मनरेगा योजना के तहत ढाली गई 1 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसमें 4 जगह पुलिया बनना था, ना ही यहां पर पुलिया का निर्माण किया गया, जिससे लोगों को निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और ना ही रोड पर चूड़ी बनाई गई और 1 किलोमीटर लंबी सड़क को महज 700-800 मीटर पर ही खत्म कर दिया गया। तो वहीं मरघट शाला जाने के लिए भी नाले से गुजरना पड़ता है। मरघट शाला का टीन सेट तो हो चुका है, लेकिन पिछले 4 सालों में नहीं बन पाया है चबूतरा, जिससे ग्रामीण नाराज हैं। और ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में कई अधूरे काम पड़े हुए हैं, जिसका बिल लगाकर पेमेंट नहीं। यहाँ पर ग्राम पंचायत कुंडई में आप एकत्रित हुए, कारण कह रहे हैं? कारण ये है कि 1 साल पूर्व ग्राम पंचायत ने हरिजन बस्ती से ये सड़क डाली थी, 1 साल पूरा हो गया, लेकिन आज तक ये सड़क पूर्ण नहीं हो पाई है। क्या मनरेगा से डाली गई थी या प्रकाश डाली गई थी? यह सड़क मनरेगा योजना के अंतर्गत डाली थी, परंतु मशीनों द्वारा कार्य हुआ है, किसी भी ग्रामीण को रोजगार नहीं मिला है। ये आपने देखे हैं अभी 4 पुलियां बताई आप लोगों ने, यहाँ पे 4 पुलियों में से एक भी पुलिया में पाइप नहीं है, भारी दिक्कत आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे सचिव और यहाँ सरपंच से बात की नहीं की इस विषय में? इस विषय में सचिव और सरपंच से बात हुई है, 6 महीने से गुमराह कर रहे हैं, बोल रहे हैं फंड की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए कार्य नहीं हो पा रहा है। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में चुनावों को लेकर आचार संहिता लग गई थी, इसलिए हो सकता है बीच में काम रुका पड़ा था। अभी प्रधान उनका पदोन्नति हुई, सरपंचों के प्रधान के रूप में उन्हें द्वारा नियुक्ति किए गए हैं, तो इसके बाद में बहाली होने के बाद में आपने एक आध बार बात हुई नहीं? बहाली होने के बाद भी हमने बात की है, कम से कम 15 लोगों की गाँव से CM हेल्पलाइन के जरिए शिकायत भी की है, और सचिव महोदय जो शिकायत करता है उनसे बोलते हैं शिकायत वापस ले लो, नहीं मैं तुमको PM आवास नहीं दूंगा। ये लोग सरपंच और सचिव पर यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर काफी ग्राम में काम हुआ है लेकिन काम अधूरा है और पेमेंट पूरा निकल चुका है। हेलो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बात सही है, ये भ्रष्टाचारी पंचायत बहुत ज़्यादा चल रही है, जिन लोगों ने पैसा निकाल चुके हैं और सड़क के अधूरे कार्य हैं, और मरघट शाला का टीन सेट भी नहीं, टीन सेट करा दिया मगर चबूतरा नहीं बनाया है, और जी पूरी पुलियों का निर्माण कार्य एक भी पुलिया नहीं बनाई है, नाली निर्माण हो रहा है उसमें भी लोग बात कह रहे हैं वो भी सही तरीके से उसमें मटेरियल नहीं लगाया जा रहा है। हाँ, नाली निर्माण हुआ है, अब कच्ची जगह तो बनी नहीं है, और वे नाम मात्र की नाली बनवाई थोड़ी सी। क्या नाम लिखते हैं दादा? बजीर चंद हरवा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि सरपंच सचिव के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो उन्हें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। Time 8 मध्य प्रदेश के लिए अशोकनगर जिले के राजपुर से शमीम खान की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं Time 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने Time 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो Time 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।